नमस्कार, हम कक्षा बारहवीं का अध्याय ग्यारह त्रीवी में जमती पढ़ रहे हैं आज इस सत्र में हम दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना सीखेंगे इन पर आधारित उदाहरण और प्रश्नावली के कुछ प्रश्न आगे अब हम देखते हैं दो रेखाओं के मध्य कोण। हमने रेखा निकाला अब अगर हमारे पास रेखाएं हैं तो उनके बीच में कोण भी हम ज्ञात कर सकते हैं न्यूनतम कोण तो देख सकते हैं आपके सामने L1 और L2 मान लेते हैं ये दो हमारी रेखाएं हैं जो कि मूल बिंदु से होकर गुजर रही है जानते हैं आप यदि अगर हमारी मूल बिंदु से गुजरती नहीं है रेखाएं तो हम उसके क्या ले सकते हैं उसके समांतर रेखाएं ले सकते हैं जो कि मूल बिंदु से गुजरे ठीक क्योंकि उनके जो दिग अनुपात हैं वे समान होंगे अब आप देखेंगे एल वन और एल टू ये हमारी दो रेखाएं हैं जो कि मूल बिंदु O से गुजर रही हैं। इन दोनों रेखाओं पे क्रमशः हम कोई भी स्वेच बिंदु ले लेते हैं एल वन पे पी लिया और एल टू पे क्यू लिया ठीक एल वन और एल टू के दिग अनुपात भी हम पता है वे क्या है एल वन का दिग अनुपात है ए वन बी वन सी वन और एल टू के ए टू बी टू C2, ठीक मान लेते हैं इन दोनों सदीश OP और OQ के बीच में न्यूनतम कोण थीटा बन रहा है तो आपने अध्याय 10 में पढ़ा है यदि हमारे पास क्या हो दो सदीश हो तो उनके बीच का न्यूनतम कोण आप निकाल सकते हैं और वे कैसे निकालेंगे अगर आपको दिग्ग अनुपात दिए हुए हैं तो वह है कॉस थीटा बराबर में ए वन ए टू जमा बी वन बी टू जमा सी वन सी टू ठीक बटे में वर्गमूल ए वन कवर जमा बी वन कवर जमा सी वन कवर गुणा में किसके साथ गुणा करना है वर्गमूल ए टू कवर जमा बी टू कवर जमा सी टू का वर्ग और इस पूरी संख्या का हमें मापांक संख्या लेनी है यानी पॉजिटिव संख्या क्यों क्योंकि हम न्यून कोण निकाल रहे हैं तो हम साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं थीटा यानी इसका जो मान है इसके अंदर इसका वर्ग लेके और फिर लघुतम समावर्त्य की सहायता से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ हल करके जरूर देखिएगा आइए आगे देखें यदि रेखाएं L1 और L2 के दिग अनुपातों के बजाय दिग को साइन दिए हुए हैं देखे थे हमने हमने क्या माना था दिख अनुपात हमें दिए हुए हैं ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू अब इसके बजाय हमारे पास दिक को साइन दिए हुए हैं जैसे एल वन के लिए एल वन एम वन एन वन और एल टू के लिए एल टू एम टू एन टू तो हमारा क्या हो जाएगा जो कॉस थीटा है यानी कोण ये कैसे बदल जाएगा एल वन गुणा में एल टू जमा एम वन गुणा में एम टू जमा एन वन गुणा में एन टू इन सब का हमने क्या किया L1 और L2, M1 और M2, N1 और N2 पहले इनके गुणा कर लिया और इनका जो योगफल है और फिर मापांक संख्या ये हमें क्या देगा कॉज थीटा का मान ठीक गौर करेंगे क्यों क्योंकि हमें पता है L1 का स्क्वायर यानी L1 का वर्ग जमा M1 का वर्ग जमा N1 का वर्ग ये किसके बराबर होते हैं एक के तो इसके अंदर हमारा ये सरल हो गया इसी प्रकार आप थीटा के रूप में भी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं आगे बढ़ने पर आप देखेंगे देख अनुपात अगर हमें दिए हैं A1, B1, C1 और दूसरी रेखा के ए टू बी टू सी टू तो यदि हमारी रेखाएं कैसी हैं, लंब हैं, यानी लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के बीच में जो कोण है वह कैसा बनेगा नब्बे डिग्री का बनेगा यानी अर्थात हम जानते हैं कॉस नब्बे डिग्री कितना होता है शून्य होता है तो यानी जो दिग्ध अनुपात है दोनों रेखाओं के उनके बीच में कैसा संबंध होगा यदि हम दोनों दिग अनुपातों का क्या करें पहले गुणा करें किसके क्रमशः निर्देशांकों के क्रमशः यानी ए वन ए टू गुणा किया B1 B2 के साथ गुणा किया और C1 C2 के साथ और इनका योगफल किसके बराबर होगा शून्य के ठीक ऐसे ही समांतर हैं तो हम जानते हैं जो थीटा होगा शून्य के बराबर होगा और जो दिग अनुपात हैं वे कैसे होंगे समानुपाती होंगे तो यानी A1 वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सीवन बटे सी टू तो इससे हमें क्या मिला दो रेखाओं के बीच में कोण का फॉर्मूला क्या है रेखाओं के बीच न्यून कोण यदि थीटा है और दो रेखाओं के सदीश रूप में रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है बराबर जमा और दूसरी रेखा का समीकरण सदीश आर बराबर सदीश ए टू जमा, जमा म्यू सदीश बी टू ठीक तो थीटा क्या होगा ध्यान दें हम क्या ले रहे हैं दिग्ग अनुपात और वह क्या बताता है कौन से सदिश से हमें मिलता है इस समीकरण से बी ठीक जो हमें दिशा प्रदान करती है तो हम क्या नहीं करेंगे B1 बी वन डॉट सदिश बी टू बटे में दोनों सदिशों का परिमाण गुणा करेंगे और इसका मापांक संख्या क्योंकि हमने न्यून कोण ज्ञात करना है ठीक इसी प्रकार अगर हमें कार्तीय रूप में ज्ञात करना है तो हमने जिस तरीके से हमने सदीश का क्या निकाला था जब हमारे पास दो सदीश के बीच का न्यून कोण निकालना था तो वही हमारा फॉर्मूला रेखाओं के लिए भी होगा ठीक तो आइए अब इस पे कुछ उदाहरण देखें। सबसे पहले देखेंगे निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जब हमारे पास ये जो रेखाएं हैं और वे किस रूप में दी हुई हैं सदिश रूप में दी हुई है। तो ध्यान देंगे हमें क्या देखना है? ये सदिश r बराबर में ये हो गया सदिश a1 और ये हो गया हमारा सदिश b1 r2 यानी जो हमारा दूसरी रेखा है उसका समीकरण में सदिश r बराबर में ये जो हमारा सदिश दिया यानी 7 7 i cap 6 k कैप ये हो गया सदिश ए टू जमा म्यू और ये जो हमारा म्यू के साथ में जो सदिश गुणा हुआ हुआ है वह क्या है आई कैप जमा दो जे कैप जमा दो के कैप, ये हमारा बी टू ठीक अब सरल है अभी हमने देखा कॉस्टा किसके बराबर होगा सदिश बी वन डॉट सदीश बी टू ठीक बटे में दोनों के परिमाण का गुणा करना है ठीक तो देख सकते हैं सबसे पहले सदिश बी वन क्या है हमारे पास तीन आई जमा दो जे जमा बी टू हमारे पास क्या है आई कैप जमा दो जे कै जमा दो के ठीक अब सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ठीक है यानी डॉट हमें गुणनफल ज्ञात करना है तो इनके घटक को हम गुणा करेंगे और योग करेंगे यानी तीन ये कैसे मिला तीन और एक तीन दो गुणा दो बने चार और छह को दो से गुणा करने पे मिले हमें बारह और ये हमें मिला इक्कीस ठीक सदिश बी वन का परिमाण कितना मिला सदिश बी वन का परिमाण हमें मिलेगा देख सकते हैं वे कितना मिला तीन का वर्ग नौ दो का वर्ग चार और का वर्ग छत्तीस ठीक है तो ये क्या मिला उनचास का वर्ग तो जिसके बराबर किसके बराबर है ये सात इसी प्रकार आप सदिश बी टू का भी क्या निकाल सकते हैं परिमाण और दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे ये किसके इक्वल है यानी किसके बराबर है एक किसके तो इससे आपको कॉस थीटा का यानी दोनों का कोण मिल गया वे क्या है नौ बटे में इक्कीस ठीक आगे देखते हैं दर्शाइए कि बिंदु जो दो बिंदु हैं एक माइनस एक दो तीन चार और माइनस दो से होकर जाने वाली रेखा और बिंदुओं शून्य तीन दो और तीन पांच छः से जाने वाली रेखा क्या है लंब है लंब यानी है तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करें? इनके अनुपात। ज्ञात करेंगे आप इन दोनों को कटाकर यानी वे क्या हुआ सबसे पहले दिग्ग अनुपात अगर हमारे पास कितनी रेखाएं दो रेखाएं हैं तो पहली रेखा L1 जो कि हमारी इन दो बिंदुओं से होकर गुजर रही है तो उसके दिग अनुपात क्या होंगे वे होंगे तीन में से एक दो चार माइनस माइनस एक बने पांच और माइनस दो माइनस दो बने माइनस चार ठीक अब जो हमारी दूसरी रेखा है जिसे हमने संबोधित एल टू से किया है इसके दिग अनुपात दिग अनुपात में डी आर से संबोधित कर रही हूं डी आर क्यों क्योंकि ये है डायरेक्शन रेशोज अब वे क्या बने तीन में से शून्य गए तीन पांच में से तीन दो और छह में से दो गए बने चार ठीक अब हम जानते हैं हमें क्या दर्शाना है क्या ये लंब है या नहीं इसके लिए हमें क्या करना होगा ए वन ए टू जमा बी वन बी टू जमा सी वन गुणा में सी टू ये देखना है अगर यदि ये किसके बराबर आता है शून्य के बराबर आता है तो यानी जो हमारी दो रेखाएं हैं वे क्या हैं लंब हैं तो आइए देखें तीन दुनिया छह जमा पांच दुनी बने दस और माइनस चार को चार से गुणा करने पे हमें मिला माइनस सोलह ये किसके बराबर आ रहे हैं शून्य के यानी क्या बतला रहा है ये बतला रहा है कि जो दो हमारी रेखाएं हैं वे कैसी हैं? लंब है ठीक आइए अब आगे देखें इस प्रश्न पे देखेंगे बिंदु एक दो तीन से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि की सदिश तीन आई कैप जमा दो जे कैप माइनस दो के कैप के समांतर है यानी गौर करेंगे हमारे क्या दिया हुआ एक बिंदु दिया हुआ है और हमें दिशा प्रदान की हुई है कि इस सदीश के समांतर हमारी रेखा है ठीक तो यानी अगर हम निकालना चाहें इसका तो सरल है, आर सदीश, सदीश रूप में सदीश ए जमा लैमडा सदीश बी जहां ये बी तो हमारा क्या बता रही है दिशा जो हम देख सकते हैं वे क्या है तीन आई जमा दो जे माइनस दो के कैप ठीक ए यानी इसका स्थिति सदिश निकाल लेते हैं तो यानी चार में इस प्रश्न चार में रेखा का समीकरण क्या बना आई कै जमा दो जे कै जमा तीन के कै जमा में लैम्डा और यहां क्या आएगा तीन आई जमा दो जे माइनस दो के ठीक सरल है ऐसे ही पांचवे प्रश्न पे गौर करेंगे बिंदु जिसकी स्थिति सदीश क्या दी हुई है दो आई माइनस जे कैप जमा चार की कैप इस बिंदु से होके गुजर रही है वह सदीश आई कैप जमा दो जे कैप माइनस के कैप के सदीश में जाने वाली रेखा का सदीश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए सरल है फिर से वही चीज हमें क्या दी हुई है दिशा दी हुई है और जिस बिंदु से गुजर रही है उसकी स्थिति सदीश भी हमें दिया हुआ है तो ये तो सरल है ये सदीश ए हो गया वह सदिश बी हो गया आप इस सदीश रूप का जो समीकरण है इसमें प्रतिस्थापित करेंगे मान तो आपको समीकरण ज्ञात हो जाएगा तो आइए अब देखें कार्तीय रूप क्या होगा कार्तीय रूप के अंदर इस पांच का हम सिर्फ कार्तीय रूप देखेंगे सदिश रूप तो आप देख ही सकते हैं सरल है जो आप करेंगे अब कार्तीय रूप के अंदर हमारा x यानी इसका घटक यानी माइनस दो बटे में किसके दिग अनुपात होंगे जो दिशा है इस सदिश की दिशा के अनुसार हमारा जो रेखा है वह बढ़ रही है इसके समांतर है तो x माइनस दो बटे में एक बराबर में y जमा में एक बटे में दो बराबर में z माइनस में चार और ये आया माइनस तो ये हमारा रेखा का कार्तीय रूप हो गया ठीक आइए अब आगे बढ़े इसमें अब आप देखेंगे इस प्रश्न में निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कौन ज्ञात कीजिए गौर करेंगे हमने कोण पहले भी निकाला था पर उस समय हमारे पास जो रेखा के युग्म दिए थे वे कैसे थे किस रूप में थे सदिश रूप में थे और यहाँ हमें रेखाएं किस रूप में दी हुई है कार्तीय रूप में दी हुई है तो ये भी सरल है कैसे निकालेंगे आप आपके सामने है हमने न्यून कोण निकालने के लिए जो कार्तीय रूप है वह लिखा सबसे पहले जो कि है थीटा बराबर में ए वन गुणा ए टू जमा बी वन गुणा बी टू जमा सी वन गुना सी टू बटे में वर्ग मूल ए वन का वर्ग जमा बी वन का वर्ग जमा सी वन का वर्ग और ये किससे गुणा हो रहा है वर्ग मूल ए टू का वर्ग जमा बी टू का वर्ग जमा सी टू का वर्ग और न्यून कौन के लिए हमने लिया इसका मापांक संख्या यानी मापांग अंदर भर देते हैं हमें क्या देखना है देख अनुपात यानी जो हर में संख्या ये वादी तो ये हमारा क्या दर्शा रहा है ए वन ये बी वन और ये सी वन ये ए टू ये बी टू और ये सी टू सबका मान आप इसके अंदर प्रतिस्थापित कर सकते और करने पर आप क्या पाएंगे आपको मिलेगा थीटा बराबर में छब्बीस बटे में अड़तीस का वर्गमूल और इक्यासी का वर्ग ठीक इसको आप सरल कर सकते हैं और सरल करने पर आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा कॉस थीटा ठीक बराबर में छब्बीस बटे में नौ और अड़तीस का वर्ग ठीक थीटा का मान क्या मिला थीटा का मान आपको मिला प्रतिलोम संख्या कौस प्रतिलोम छब्बीस नौ और अड़तीस आइए आगे देखें बारवा प्रश्न ये आपकी प्रश्नावली का प्रश्न है ठीक पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं ये दो हमारी रेखाएं दी हुई हैं किसके अंदर कार्तीय रूप में और ये बता रहा है कि ये जो दो रेखाएं हैं वे परस्पर लंब हैं यानी ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हैं यानी ये दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वे कैसा है 90 डिग्री का है ठीक अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो यानी इनके जो दिक् अनुपात हैं वे क्या होगा संबंध कैसा जो हमें दिया था वह प्रतिस्थापित करेंगे ही करेंगे यानी a1 टू जमा बी वन गुणा में बी टू जमा सी वन गुणा में सी टू किसके बराबर होना अनिवार्य है और इसमें मान को प्रतिस्थापित करके देख लेते हैं याद रखें हमें सबसे पहले कार्तीय रूप का जो मानक रूप है उसके अंदर जो रेखाओं के समीकरण है उसको बदलना पड़ेगा कैसे सबसे पहले देखेंगे मान लेते हैं ये हमारी पहली रेखा है L1 तो L1 को सबसे पहले हम मानक रूप में बदलेंगे मानक रूप क्या है x माइनस एक्स वन यहां देखेंगे यहां x पीछे जा रहा है तो हम क्या करेंगे जो माइनस एक है उसे ले लेते हैं तो ये इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं x माइनस एक बटे में माइनस तीन ठीक ऐसे ही यहां से हम देख लें तो ये क्या बना सात उभयनिष्ठ लेने पर y माइनस दो बटे में दो p बटे में सात ठीक ये किसके बराबर हुआ z माइनस तीन बटे में दो अब ये हमारा क्या है समीकरण पहली रेखा का ठीक जो कि अब हमारा मानक रूप है अब आप देखेंगे इसके जो दिल अनुपात है वह बदल गए अब देखते हैं दूसरी रेखा का जो है वह क्या बना इसमें से भी x माइनस एक बटे में तीन पी बटे में कितना लिया था हमने उभयनिष्ठ माइनस सात तो ये सात और इसके साथ में हम एक माइनस का चिन्ह लगा देते हैं बराबर में y माइनस पांच बटे में एक बराबर में छे, छे आएगा। पहले z आएगा तो हम क्या करेंगे माइनस छ बटे में माइनस पांच ठीक अब आपको क्या मिल गई? A1, वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू अब इनको क्या करना है बस इन मानों को इसके अंदर प्रतिस्थापित करना है तो आइए प्रतिस्थापित करें माइनस तीन गुणा में हम क्या करेंगे इसके साथ गुणा तो ये क्या मना हमारा माइनस तीन पी बटे में सात जमा बी वन यानी दो पी बटे सात गुणा में एक जमा सी वन क्या है दो और गुणा में अगर हम माइनस पांच गुणा करते हैं तो ये क्या मिलता है हमें माइनस दस ये बराबर कितना है शून्य है ये हमें दिया हुआ है अब ये हमें सरल करना है सरल करने पर आप पाएंगे नौ पी बटे में सात जमा दो पी बटे में सात बराबर में दस और सर सरल करने पर यह मिला आपका ग्यारह पी बटे में सात बराबर में दस और पी का मान आपको क्या मिल गया पी का मान मिल गया सत्तर बटे में ग्यारह और यही हमें ज्ञात करना था पी का मान ज्ञात कीजिए जब हमें दिया गया है कि दो रेखाएं हैं वे कैसी हैं लंब हैं ठीक तो ध्यान रखें सबसे पहले आपको रेखाओं को मानक रूप में परिवर्तित करना है इस पूरे सत्र में क्या क्या देखा यदि हमारी रेखा किसी गुजर रही है एक बिंदु से गुजर रही है और साथ ही हमें एक दिशा प्रदान है तो उसका सतीश रूप और कार्तीय रूप क्या होगा तो आशा करते हैं आपको इस सत्र में आनंद आया होगा समझ आया होगा धन्यवाद